नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बेनीगंज में, जहाँ पर जनशक्ति सेवा संस्थान द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आपको हम मुलाकात कराएंगे सुधा गौड़ जी से और उनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस वजह से कार्यक्रम आज रखा गया है। इस समय सुधा जी के लिए यहाँ काफी समर्थक जुड़े हुए हैं और काफी ढेर सारी महिलाएं और पुरुष भी हैं। सर से आपसे जानना चाहूंगा, मेन तो नेता आप ही लग रहे हैं इन लोग के, क्या क्या ये आज तैयारी चल रही है? ये तैयारी चल रही है आगे के लिए, हम लोग समाज की सेवा के लिए खड़े हैं और सुधा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग जन सेवा का कार्य करेंगे और आने वाले समय में राजा भैया के साथ भी जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग जो है सब लोग हमारे साथ मिलकर कई नव युवक भी हैं, उनसे जाना। बेटा कैसा लग रहा है आज इस कार्यक्रम में? कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सुधा जी के साथ हम लोग को समर्थन मिला है, इन लोग के इनका मतलब मार्गदर्शन रहा तो हम लोग और मतलब पार्टी के और काम करेंगे। हमारे साथ काफी बच्चे धूप में हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा, जन सेवा शक्ति संस्थान के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जन सेवा शक्ति संस्थान का औचित्य यही है कि एक दूसरे के साथ समन्वय करना और पार्टी को एकीकृत करके जो समाज में महिलाओं के प्रति मान सम्मान की जो प्रतिष्ठाएं हैं उनको प्रतिष्ठित करना और एक विश्व की धरोहर के रूप में और शक्ति के स्वरूप में जो महिलाओं का खोया हुआ वर्चस्व, उन वर्चस्व को आगे ले जाने के लिए आज हम लोग सभी लोग साथ खड़े, एक साथ खड़े, एक मंच पे खड़े हैं और भविष्य में ये कामना करते हैं जो हमारे साथ आज खड़े हैं वो भविष्य में भी हमारे साथ खड़े रहे और राजा भैया जी का जो हमारे साथ संबंध बन रहा है वो संबंध करारदार हो। राजा भैया के बारे में आप कुछ कहें। मेरी जन शक्ति सेवा संस्थान की सभी महिलाओं को और भाई बहनों को जितने भी हमारे आए हुए हैं, मैं सब से अनुरोध करूंगी कि मैं जिस पार्टी में जुड़ रही हूं उस पार्टी का आप लोग भी सहयोग करेंगे। जिस तरह आपने अभी तक हमारा सहयोग किया है, जनसत्ता दल का भी आप लोग सहयोग करेंगे, मैं ये आप लोगों से अनुरोध करूंगी। ये जो लड़के सुबह से आए हुए हैं, ये इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने जो मेरे भाई लोग हैं मेरा इतना समर्थन कर रहे हैं, मैं आगे भी इनका समर्थन चाहूंगी। पर क्या करना है? क्या भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्ता दल जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
सबसे पहले मैडम तो आपको कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद सर जी। तो मैडम आपसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताएं प्लीज। हमारे जनशक्ति सेवा संस्थान का उद्देश्य महिलाओं को आगे बढ़ाना है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। जो महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं उनके लिए हम घर पे रोजगार उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, तो उसी के उद्देश्य से आज महिलाओं की मैंने मीटिंग रखी हुई है। आज मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं और पुरुष भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुरुष के लिए भी मैंने व्यवसाय की व्यवस्था के लिए सोच रही हूँ। ये कार्यक्रम आप हर साल कराते हैं? हर साल ये हम कार्यक्रम करवाते हैं। तो इस बार क्या खास था, कुछ स्पेशल कार्यक्रम लग रहा है? इस बार हमारे साथ महिलाएं ज़्यादा संख्या में जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से मैंने ये व्यवस्था की कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमसे जुड़ सकें मेरी संस्था से। मेरी संस्था में महिलाओं के लिए हॉबी कोर्सेज भी रखा गया है, निःशुल्क सेवा रहती है ये हमारी कि महिलाएं आकर यहाँ पर जिनको ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, सिलाई का कोर्स करना है, मेहंदी है, ताकि वो आगे चल के अपना व्यवसाय इस उस पे कर सकें। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ सर भी जुड़े हैं मैडम के साथ। सर आपसे जानना चाहूँगा कितनी खुशी लग रही है आज? बहुत ज़्यादा खुशी है, इस खुशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। काफ़ी वर्षों से ये इस संस्था से जुड़ी है, इस संस्था को चला रही हैं, बड़े अच्छे ढंग से चला रही हैं। लड़कियां, लेडीज जो भी यहां आते हैं सीख के अपना अपना व्यवसाय करते हैं, बड़ी खुशी होती है। सब लोग अपने अपने पाँव पे खड़े होते हैं और इस संस्था से जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं या जो भी लोग आगे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की उन्नति होगी, तरक्की होगी, अपने अपने व्यवसाय के लिए तैयार रहेंगे, अपने हाथ पांव पर खड़ी रहेंगी। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। हमारे साथ सुधा जी की माता जी भी हैं और उपाध्यक्ष हैं मेंबर की, और उनसे भी जानकारी लेंगे। मैडम कितनी खुशी है आज? आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ये संस्था चला रही है। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि और आगे बढ़े, सारी महिलाओं की ये मदद करे है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये जन सेवा शक्ति संस्थान और आगे चलता रहे। बिल्कुल 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 चलेगा। हमारे साथ उपाध्यक्ष जी हैं, उनसे जानना चाहूँगा मैडम आप कितनी खुश हैं आज? मैं बहुत ही हर्ष के साथ कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को हम लोगों ने 10 के साथ जोड़ा और आज ये मतलब हुआ है कि ये 100 में संख्याएं बढ़ गई हैं, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी और महिलाओं को जोड़ने के लिए आप प्रयासरत रहती हैं? जी जी बिल्कुल। आपके माध्यम से जानना चाहूँगा आज कितना खुश लग रहे हैं आप? सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। जनशक्ति सेवा संस्थान का अध्यक्ष होने के नाते जी मैं जो हमारे प्रबंधक महोदया हैं श्रीमती सुधा गौर, इनके जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़ने का समर्थन। मेरी बहन भी है, मेरी बड़ी बहन भी है साथ में और बहुत ही कर्मठ हैं, इसलिए मैं हमेशा उनके समर्थन में रहता हूँ। मैं सदा जनशक्ति सेवा संस्थान के साथ जनसत्ता दल का समर्थन में लगा रहूंगा। लास्ट में जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे आप, संदेश क्या देंगे सब? हम संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं आगे ही लेकर चलूंगी ताकि उनका आगे का भविष्य सिक्योर रहे, उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगी। और इस समय मैं जनसत्ता दल से भी मेंबरशिप ले चुकी हूँ और उसके भी पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी भाई बहन मेरे साथ आज सम्मिलित हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अच्छा मैडम आपने संदेश दिया, मैं लोगों से मिलना चाहूँगा। टू थ्री स्टार सुधा दीदी।